हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टेक क्लासी एनएस। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। मैं आज मेरे बहुत पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। सो मैं कैसे पहुँचती हूँ, मैं आज लोकल बस में ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए कितना जद्दोजहद करके वहाँ पर पहुँचती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मेरी बहुत पुरानी कलीग्स है ये, और उनको मिले हुए मुझे बहुत कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं। सो आज मैं उनसे मिलूंगी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, थोड़ा और एक दो काम थे मुझे वो करके जाना था, इसलिए मैं यहाँ से पैदल जा रही हूँ। मेरे एक दो काम यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे, अभी मैं यहाँ से ऑटो लूँगी। ऑटो लेके मैं डायरेक्टली मेन गेट पे जाऊँगी, जो नांदेड़ सिटी का गेट है, वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया बस, मतलब लोकल बस से मैंने ट्रैवल किया आज। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। मैं घर से निकली थी आई थिंक 11:15 बजे मैं घर से निकली थी, और मुझे पहुंचने के लिए वहाँ पे जो मेन हम लोगों ने डिसाइड किया था लोकेशन, वहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे 1:30 बज चुके थे। तो इट्स काइंड ऑफ, और उसमें इतनी धूप थी और क्लाइमेट भी पता नहीं सडन चेंजेस हो रहे थे। मैं अपना मेन गेट पे पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे मुझे बस मिल चुका है। यहाँ पे मैंने टिकट निकाला है स्वारगेट का, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी स्वारगेट पहुँचूँगी। स्वारगेट पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, और यहाँ पे मैं स्वारगेट पहुँच चुकी हूँ। बिकॉज आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता बस में। तो स्वारगेट में पहुँच चुकी हूँ। स्वारगेट पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से दूसरा बस लिया था, वो है खराड़ी का बस, बिकॉज मुझे विमान नगर जाना था। तो खराड़ी का बस मैंने लिया यहाँ पे। मुझे जगह मिली थी बैठने के लिए, बट कोई एक लेडी आई थी तो उसके लिए मैंने अपना जगह छोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जैसे कि आप देख रहे हो, तो मैंने पूरा अपना स्कार्फ आप निकाल दिया था। और जैसे ही आप पुणे में घूमोगे ना, तो हर एक लड़की ये स्कार्फ के बिना घूमती नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पे और सन टैनिंग होता है, इसीलिए हर एक लड़की यहाँ पे पहुँचती है। तो 2 घंटे के बाद मैं अपने फ्रेंड से मिल चुकी हूँ। तो ये है अमृता और ये है पल्लवी। पल्लवी को मिले हुए 4 साल हुए थे। अमृता से वैसे भी मैं मिलती रहती हूँ, तो अमृता को भी मिल के आई थिंक 4 या 5 महीने हो चुके हैं, बट पल्लवी से मैं 4 साल के बाद मिली हूँ। जैसे उसने जॉब छोड़ा, उसके बाद उसकी शादी, उसको बेबी हुआ, मैं बिल्कुल भी उसको मिल नहीं पाई थी। तो सडन हमारा आज प्लान हुआ था, तो हम लोग आज ब्रंच के लिए मिले थे यहाँ पे। हमारी बकबक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही थी, हम लोग इतने साल के बाद मिले थे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा खाना भी चल रहा है यहाँ पे, हमारी बकबक भी चल रही है। बहुत 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 ज़्यादा हमने गॉसिप्स किए, बहुत ज़्यादा बातें की, सबके लाइफ अपडेट्स हमने यहाँ पे जानी, उसका बेबी कैसा है, ये कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रहा है, फैमिली कैसी है एंड ऑल। हर एक चीज़ पे हमने इस टाइम पे टॉपिक पे बात किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बिकॉज लास्ट 4-5 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, जैसे कि मैंने एक वीडियो पे अपलोड भी किया था, तो वैसा वाला सीन था। तो सडन प्लान मुझे बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर दिया था। तो यहाँ पे हमने लिया था स्टार्टर में मंचाऊ सूप लिया था हमने, उसके बाद लिया था मसाला पापड़। तो ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे थे, बिकॉज हमारी बातें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही थी। यहाँ पे हमने लिया था गार्लिक ब्रेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया था सैंडविच। तो यहाँ पे हम लोग खाते खाते अपनी पूरी पुरानी बातें, पुराने फ्रेंड्स जो थे, हमारा जो टीम था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा ये आज का। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए हम लोग एक गार्डन में चले गए। वहाँ पर एंट्री नहीं था, बट स्टिल हम लोग वहाँ पर कैसे भी कन्विंस करके वहाँ पर जाके बैठ गए। गार्डन में कोई भी नहीं था, बिकॉज गार्डन क्लोज था। हम लोग वहाँ पे कन्विंस करके जाके बैठ चुके थे। 4 या 4:15 का टाइम हो चुका था वहाँ पे। टाइम कैसे जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। फिर हम वहाँ से निकले कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पीते पीते भी हमारी बकबक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही थी, स्टिल हम लोग बात करते हुए, बकबक करते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, हम लोगों ने अपना टाइम बहुत अच्छे तरह से इंजॉय किया। फिर हम लोग सब निकल गए, वो दोनों आसपास ही रहती है, तो वो दोनों निकल गई। वापस से मेरा
ट्रैवल स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे मैं विमान नगर बस स्टॉप पे आई हूँ। बहुत ही गंदा रश है, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत गंदा ट्रैफिक था यहाँ पे। मैं निकली थी वहाँ से, मतलब मेरी फ्रेंड्स को मिल के मैं निकल चुकी थी 5:15 बजे, और घर पहुँचते पहुँचते मुझे यहाँ पे हो चुका था 7:30। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से मैंने बस लिया, मैं स्वारगेट पहुँची, यहाँ पे मैं स्वारगेट पहुँच चुकी हूँ। स्वारगेट से मैंने बस लिया, उसके बाद मैं पहुँची धारी फाटा। धारी फाटा पहुँचते पहुँचते इतना गंदा ट्रैफिक लगा था मुझे, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही गंदा ट्रैफिक रहता है पुणे में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बस से तो ज़बरदस्त ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ही आप ट्रैफिक देख ही रहे हो, बहुत ही ख़तरनाक वाला ट्रैफिक मुझे मिला था। फिर ऐसे तैसे करके मैं पहुँच गई धैरी फाटा। धैरी फाटा के बाद मैंने लिया ऑटो। ऑटो से मैं अपना जो सोसाइटी का मेन गेट है वहाँ पे पहुँची। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुके थे वहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही टायर्ड फील कर रही थी मैं उस टाइम पे। दिन ऐसे ही चला जाता है, अगर आपको किसी को मिलना है 2-4 घंटे के लिए तो आपको 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है, 2 घंटे बाद निकलना, मतलब घर पहुँचोगे आप। यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ चुकी थी, ऑटो वाला अपना ऑटो फील कर रहा था। मैं शेयरिंग ऑटो लिया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो वाले ने अपना पूरे सीट्स फील कर लिए। उसके बाद हम निकल गए थे। जैसे कि आप देख रहे हो, शाम पूरा शाम हो चुका था और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। मतलब फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे। अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो ये बैग अटकाने का तरीका है मेरा, बिकॉज पीछे के पीछे बैग से कोई भी कुछ भी निकाल ले सकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैं बैग को सामने ही अटकाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ चुके थे। यहाँ से मैं घर जाऊँगी। घर जाने के बाद मैं फुल टायर्ड थी, मतलब आप मेरे फेस से देख ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड थी। घर जाने के लिए भी मुझे 1-2 किलोमीटर अंदर ही है, तो वहाँ से मैं अंदर चली गई और फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुकी थी, वो भी 7:15 या 7:30 बजे। फ्रेश होने के बाद बिल्कुल ही मुझे ताकत नहीं थी, तो ऑलरेडी खाना बना हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने ऑलरेडी खाना बना के रख दिया था। तो मैं आई, फ्रेश हुई, खाना खाई, उसके बाद मैंने पानी लिया गर्म करके। फिर दूध आया था तो दूध मैंने बॉईल कर लिया। तो उसके साथ साथ जैसे पानी में पी रही थी तो साथ साथ मैंने एक टीवी सीरियल एंजॉय किया, वो है दिल दिया गल्ला। मेरी मदर इन लॉ को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने वो सीरियल देखा। उसके बाद हम लोग पूरा थक चुकी थी मैं। 10:15 बजे मैं रूम में आई। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो और आपने एंजॉय किया हो। अगर किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो अभी हो चुकी है रात, मैं सब कुछ मेरा काम ख़त्म कर लिया है, तो अभी मैं जाके सोऊंगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियो के साथ मैं मिलती रहूँगी। बाय।